रोड की जगह गटर की बनाने को चाहिए, हम खुद ही हाथ से तोड़ देंगे, लेकिन उन लोगों ने एक दिन की मोहलत नहीं दी, ऊपर से सामान भी निकालने नहीं दिए, इसी बुलडोजर चढ़ा दिए सबको, सब बच्चे 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 सामान के साथ, बल्कि एक हमारे चाचा है उनको भी धक्का मारे पुलिस वाले ने, धक्का मार के उनको गिरा दिए, उनको बैठा दे, उनको चाचा को हमने समेट के लिए उनके हाथ पैर जोड़े पैर पड़े, ये एक दिन की मोहलत दो हम लोग, जो हम लोग खुद ही तुमको खाली करके अब अपने काम कर लो, लेकिन फिर भी उन लोग नहीं सुने, हम लोग किसी की बात नहीं सुने, बोले नहीं जाओ, बोले तुम लोग हमारे बच्चे लोग मतलब एकदम बिखर जाते हैं, फिर जो हम लोग मतलब उन लोगों के लिए संभाल के रखते हैं वो चीज़ और होता नहीं है, अभी यहाँ बस्ती में सभी रहने वाले बहुत कम कमाने वाले लोग रहते हैं, तो इसी तरह से हर बार उन लोगों ने डेमोलिशन हुआ है और हर बार हम लोगों ने उस आंदोलन के माध्यम से हर बार हम लोगों ने फिर वहीं अपना बनाया है और हर बार बोला गया है कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हो, अगर हम लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं तो जो अवैध अगर हम लोग हैं तो जो बड़ी बड़ी जो टावर में रहने वाले लोग हैं जिनके बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, आप बोलते हो कि 95 का पुरुष दो पुरावे दो, आप बोलते हो कि 2000 का पुरावे दो, तो क्या जो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके काफ़ी पैसे वाले लोग हैं जो बड़े बड़े टावर में रहते हैं, क्या वो बच्चे पैदे हो जो जन्म लेते हैं जिंदगी लेके जो दुनिया में आते हैं तो उसको क्या क्या कहा जाएगा, वो क्या है, हमारे बच्चे अगर हम गरीब हैं हम हमारे बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं तो वो अवैध हैं,